हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, आज है 4 जुलाई। आज ही के दिन मैं लाइब्रेरी गई और ब्लॉग भी शूट किया। मैं 3 जुलाई को भी गई थी, बट उस दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो आज फर्स्टली मुझे जो काम करना था वो था लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को अच्छे से रिवाइज करना। बट मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज नहीं किया। मैं डायरेक्ट लेक्चर थर्ड देखने लग गई और फिर उसके बाद इसको अच्छे से कंप्लीट करती गई। अप्रॉक्स 1.5 घंटे की क्लास थी, बट मैंने सोचा कि अच्छे से देख लेते हैं इसको, फिर उसी के बाद ये तीनों लेक्चर को बढ़िया तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे। सो या इसे ख़त्म करते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। बट रुको, मैंने बीच में आम खाया, ठीक है। आम खाते ही मेरी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई, फिर मैंने पूरा खाना खाया, रोटी और सब्जी दोनों ही खाया, फिर मैं पढ़ने बैठी थी। बट ये टिफ़िन मेरे से खुला ही नहीं, बाद में खुला, ठीक है। सो या अब स्टार्ट करते हैं दोबारा अपना। और फिर मैंने अपना ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। ये सर ने होमवर्क दिया था, ठीक है, तो फिर मैंने सोचा चलो इस पर टिक लगा देते हैं, क्योंकि पता चलता रहेगा कि हाँ मेरा इतना इतना टारगेट बचा हुआ है। सो अब एनिमल किंगडम एनसीईआरटी से रिवाइज़ करेंगे, देन फिर उसके बाद रिविज़न करूँगी फिजिक्स का, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स से हर इंसान भागता है, मैं भी भागूँगी। और अगेन मैं इसे PDF से ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वही जो भी मैं एज यूजुअल रीज़न देती हूँ कि मेरी NCERT बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और मैंने न्यू परचेज नहीं करी है, क्योंकि बारिश का टाइम है तो बाहर जाना कुछ है, मतलब ज़्यादा दूर है वो, जहाँ मेरे को NCERT मिलती है वो अंदर अप्रोक्स दूर है और हमारी लाइब्रेरी पास है, तो दैट्स वाई मैं PDF से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। सो चलो अब इसे रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो एनिमल किंगडम को रिवाइज़ करा, उसके बाद अब ये आप देख सकते हो लेक्चर थर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रो स्टेट का। तो इसको साथ में मिलके तीनों को रिवाइज़ करना मेरा अब काम है, मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं डाल सकती हूँ कि मैं इसे कल पे कर लूँगी, मुझे बस आज ही करना है। और मैं इस तरीके से रिवीजन अपना कर रही हूँ, इस बार जो मैंने पहले गलती करी थी वो इस बार सुधार रही हूँ, कि लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड को इतने बढ़िया तरीके से दिमाग में रखूँगी कि मैं बिना देखे सारी चीज़ों को रफ में नोट कर लूँ, सो दैट मैं भूलूँ ना। और मैं जब भी लेक्चर फोर देखने जाऊँगी तो लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फिर इन तीनों को फिर से मैं लिखूँगी। मतलब हर दिन मैं यही क्या करूँगी, जो पिछले लेक्चर हैं उनको बढ़िया तरीके से लिखेंगे नोटबुक में, रफ नोटबुक में, सो दैट कि हम अच्छे से सब चीज़ें दिमाग में फिट रहें, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 22 लेक्चर हैं और 22 लेक्चर एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा डेली ही करना पड़ेगा। सो या आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और अब इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर थर्ड और लेक्चर फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन और एनिमल किंगडम को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करके और लेक्चर निपटा के अब मैं करने जा रही हूँ मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर सेकंड, और फिर इसका रिवीजन करूँगी। देन मैं 200 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, उनको सॉल्व करूँगी, ठीक है। सो या कम्प्लीट करते हैं। क्योंकि जो 7 तारीख को टेस्ट होने वाला है ना, उसमें पूरा ये आने वाला है मूल कॉन्सेप्ट और एटमिक स्ट्रक्चर। सो मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है, सीरियसली यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं 2 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मेरे को अब थोड़ी बहुत अकल आई है कि यार पढ़ना ही है हमें, और पार्सल ड्रॉप ले रखा है मैंने, तो फिर थोड़ा सा हैवी कि कुछ ना कुछ चल रहा है, बट ये मेरा प्रायोरिटी है। सो या इसे कम्प्लीट करना ही है, और मेरे को और मुझे लगता तो नहीं है कि मेरा पूरा 7 तारीख को सिलेबस हो पाएगा, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरे को ऐसा लगता था कि 13 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, बट हाँ जब मैंने अच्छे से देखा ना डेट, तो वो 7 तारीख निकली, तो अब कम ही टाइम है, 3-4 दिन ही बचे हुए हैं, बट कोई ना, टेस्ट तो देना ही है, स्किप नहीं करूँगी भले ही कितना भी जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है तो कुछ होगा। तो मैंने आज ना टेस्ट दिया था, टेस्ट देने की प्लानिंग करी थी 200 क्वेश्चन की, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, और ये लाइब्रेरी के अंदर ही कुछ कुछ भगवान जी रखे हुए थे, और ये बाहर का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हो। और हाँ मैं ना यहाँ पे कोई शूज़ की दुकान पे नहीं आई हूँ,
मेरी लाइब्रेरी में ना बाहर सूट उतार के जाना पड़ता है। साहिल कुछ बोलना चाहोगे? कुछ तो बोल दो कुछ। और ये मेरा भाई था छोटा वाला, ठीक है। चलो उसे हटाओ। और यहाँ पे मैं ना क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, 200 बायोलॉजी के ही थे, फिर मैंने ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अभी आप देख सकते हो 5 बजने वाले हैं, ठीक। अब मैं इन क्वेश्चन को करके मैंने चेक करा और फिर मैं घर के लिए निकल गई थी, क्योंकि अभी तुरंत ही लाइब्रेरी ज्वाइन करी है तो मैं एक साथ तो मतलब ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे तक बैठी हूँ अच्छे से। 9 बजे गई थी और फिर उसके बाद मैंने ये टिफ़िन बॉक्स अपना पैक करा स्कूटी में और फिर मैं घर के लिए रवाना हो गई। ये कुछ जो क्लिप थी ना वो मेरे गाँव की थी। बस चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ब्लू हार्ट। टेक केयर, बाय।